भाई आठ नर है, नौ नौ नर है और बाईस जल्दी बना वीडियो जल्दी जल्दी बना रहे छेती ने बस एक मिनट नीचे ऊपर सारे कबूतर बैठे हैं छेती कहीं सीधी बना सीधे हाथ सीधा कर हाथ भाई साहब हम तो तुम्हें दिखा देंगे अपनी मर्जी मत कर बेटा हमारी मर्जी कर भाई साहब खड़े रहे तो भाई ये कबूतर निकाल रहे हैं भाई टाइम बता फटाफट ये कबूतर निकाल दिए भाई एक और सन भाई पीछे सन भाई एक और पीछे ये कबूतर निकाल दिए भाई है ना जी ये निकल गए ये दो कबूतर और निकले हैं ठीक है जी भाई जो नीटे उस्ताद की जो इद्रीस भाई से बाजी है जेवर से भाई उसके 31 कबूतर 6:04 पे कबूतर निकल चुके हैं भाई ये ठीक है जी और जैसे कि भाई ये रे कबूतर ठीक है ना जी अरे भाई और भाई ये जिनसे शौक है ये यहाँ छत पे खड़े हैं भाई ठीक है ना जी और एक भाई ये है और ये रे कबूतर ना सीटी बजा आ गया रोडल नमस्कार मेरे भाइयों जैसे कि भाई एक बाजी जेवर से उड़ गई है ठीक है जी और मेरे भाई अभी आपको कबूतर को शौक कराते हैं भाई ठीक है ना और कुछ भाइयों का भी आपको शौक कराएंगे ठीक है ना जी ये चल रहे भाई ये जा रहे ये जी भाई ये भी यही शौक करते हैं क्या नाम है आपका सर जमील खलीफा जहांगीरपुर जहांगीरपुर अच्छा बहुत चौहान पार्टी अच्छा 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 काट दो सभी टीमों से कल बोलो चौहान उस्ताद पार्टी का और ये हमारे खलीफा जी हैं भी क्या नाम है मोहम्मद इसरल कुरैशी दिस डॉब का छोटा भाई और पीछे भाई सोनू अच्छा ये भी करता धरता है जी छत के और भाई अनिल भाई को तो जानते ही हो और ये विकेश भाई हैं और एक और ये हमारे मुजाहिद भाई है ना और सारे भाई बैठे हैं भाई छत पे शौक कर रहे हैं ऊपर से बड़े कबूतरों का आनंद ले रहे हैं भाई कबूतर भी बड़े अच्छे उड़ रहे हैं इनके 31 कबूतर उड़ रहे हैं भाई ठीक है भाई और बाहर का भी आपको व्यू दिखाते हैं मेरे भाई ये व्यू है भाई आप देख सकते हैं ये व्यू है यहाँ की हरियाली ग्रीन लैंड ये देखिए भाई ये सारा ग्रीन लैंड है यहाँ का ये छत है भाई और मेरे भाई अभी कबूतरों का शौक कराते हैं फिर से ये रे भाई कबूतर जी और क्या नमस्कार मेरे भाइयों जैसे कि एक कबूतर भाई नीचे आ गया जेवर वालों का सफेद कबूतर है ये रे भाई 31 कबूतर हाँ मिल जाएगी जी ये रे भाई
27 सुविधा तीनों प्राइड में। फोकस नहीं कर पाता कभी और। ये चल रहे भाई ये भाई जेवर वालों के 30 का उधर 27 है, 3 ऊपर है। तो ये भाई जी और बहुत ज्यादा हो गए हैं तो जो बच जाए कबूतर ना जो प्योर वाला है ना वो मैं तो मगरा भी बन जाए जेल भी नहीं काबिली देसी वाले वाले आपको नम कर रखा है ये भैया फोकस गया इस हाथ मिला के जरूर आना चल के इंशाल्लाह हमारे साथ ही चली है तुम्हारे संग ना जाएंगे गाड़ी तो चली तुम जाओगे फिर हमारे किराए से गाड़ी तो आ जाएगी ये बैठे हैं जी जिनसे उड़ान है ये भाई साहब बैठे हुए हैं अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्कार जी जी सभी को अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल जय हिंद जय भारत बहुत बढ़िया जी और जी अब इनके कबूतरों का शौक फिर से कराते हैं जी कहाँ गए एक वीडियो फेमस कर दी इन्होंने अब तो इनसे पूछो ना क्या क्या कह रहे हैं हमारे तो पल्ले कुछ पड़ रही है तुम भाई साहब पूरा टैलेंट हो तुम चलो ऐसी कटिंग करूंगा इंशाल्लाह दिल्ली में भी कोई ना कर सके तुम्हारी कह रहे हैं मनोज भाई भी कह रहे हैं इस बात तो क्या क्या कहेंगे मनोज भाई बताइए आप ही जीतोगे नहीं जीतेंगे तो हम ही उसमें शक क्या है क्या बात है ऐसे आदमी दूसरा ग्रुप में क्या जोड़ता दिए जोड़ता रहे तुम ग्रुप में हाँ हाँ जोड़ रहे हो तुम्हारे पास में भेजा सिलिंगन का हेड उसको गोली मार दो हां तो दे दोनों नंबर जोड़ दे घर वाला नंबर जोड़ दिया ठीक है तुमने दोनों जुड़ गए हां दोनों जुड़ गए उन्होंने मुंह काला करा लिया और ये देखो का देखो मुकाम मुंह काला करा के आई है कपड़े भी करा लिए और देखो कपड़े भी मोबाइल भी काला मुंह कराया खल्लास उसकी घुसी में चल रहा सब एंजॉय मुंह काला कराई जा रही है भाई ये जीवर भाई का एक कबूतर और आ गया नीचे सफेद सफेद का उतर भाई
भाई क्या टाइम हो गया, एक बैठ गया भाई, 1:30 पे जी बैठ गई भाई कबूतर। ए भाई ये आ गए भाई, हमारे कबूतर उड़ रहे भाई जेवर से। ये आए मेरी जान, कलर देखो कितना प्यारा लगा हुआ है कबूतरों पे। और हाँ हमारे भाई सब भी बड़े प्यारे हैं जिनके जिनसे बाजी है, ये भी देखो कितने प्यारे सुंदर। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपको बैरी ये तो बता दो, बैरी ने कितना परेशान करा आज? जी पूरी सिकरे परेशान कर रहे हैं जी, कबूतर दिख रहे हैं भाई ने दिखा दिया मनोज भाई। और जी देखो भाई सारे भाई यहाँ बैठे हैं, ये कबूतरों का शौक करते हो और ये कबूतर चल रहे हैं भाई, ये चले है ना मेरे भाई। आद मत करियो ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दो बार हो गए हैं जी, बाकी कबूतर इनके 28 के 28 होते हुए। और अभी थोड़ी देर पहले बैरी ने भी इनको कबूतर को घायल मारने की कोशिश करी है काफी, ठीक है जी। तो लगता ही मुझे भाई साहब चुप हो जाओ, भाई साहब हो जाओ शांत। भाई टाइम बताना इसका लाल का, 2:18 पे एक कबूतर और बैठ गया जी। अरे भाई मैंने कहा था 4-5 बैठेंगे अभी देख। भाई चुप हो जा, एक बैठ गया जी। भाई टाइम देख लो क्या हुआ है, 2:23। दो देख रहे क्या टाइम हुआ, 2:23 पे पेपर बैठ गया। बना रहा हूँ बना रहा हूँ, बैठे ना तीन ही बैठे, चार बैठ गए। जीरा 2:23 पे, 24 पे भी, 3 24 पे 3 हो गई, 4, 2, 6, 3, 9 पर बैठ गए। छब्बीस हुए, देखना अपने मोबाइल में टाइम, 26 पे एक बैठ गया। बाकी जी ये रहे कबूतर, ये रहे बाकी चार रे, और तीन ऊपर है। बैठ गया जी एक। क्या टाइम हुआ है, 2:47 जी, एक ही सफेद बैठ गया, 2:52 पे एक बैठ गया जी। भाई उठा लो उसे, अभी रुक जाना, जीरा कबूतर बैठ रहा है ना पीछे, कुछ कोई दिक्कत ना आ जाए। ममन बाजू ममन से भी हार गए,
चालू करने से आ गया जीरा भाई भाई, ये कबूतर उड़ गए हैं भाई के, रह गए हैं जी। जेवर से बोल रहा हूँ जी, तीन छः दो और बैठ गए भाई, तीन छः उड़ी आया वो भी चल रहा, ये सुबह से ही बैठ नहीं चल रहा इसका। बैठ गया भाई, एक जीरा कबूतर बैठ गया भाई, कितने तीन बीस पे एक एक बैठ गया जी, एक कबूतर और जी, और से भाई एक और बैठ गया, जरा बोलना। 326 हाँ 326 326 पे एक और बैठ गया, 326 पे दो बैठ गए, 326 पे दो हैं। हाँ एक लाइट में बैठ गया भाई, एक लाइट में बैठ गया भाई, बैठा भाई साहब, कभी नुकल लगाएंगे लाओ जी। ये रे भाई जिसने एक बैठ के उड़ गया था भाई, अरे हाँ भाई मालूम है, ये एक जीरा बैठ गया भाई, एक और बैठ गया भाई, दो बैठ गए, लाइट वाला जी, लाइट वाला हैं, लाइट पे तो ये लाइट वाला, लाइट पे तोड़ के गया लाइट वाला भाई, ये है ये कबूतर, ये भाई साहब कल जाओ करे, वो मादी है, ये नर है, नर बैठ के गया है। चलो जी ये चलाने, ये कबूतर बैठ गया, एक बैठ भाई, एक ये बैठ गया था जी लाल कबूतर पहले, और टोटल तीन कबूतर रह रहे हैं, जिसमें से एक कबूतर ये सफेद ये रहा, और दो दो पे टाइम दिया हुआ है।
वो चला गई। हाँ जी वीडियो में देखो तो कल्लू आवाज लगा रहा है, थोड़ी है आवाज लगा रहा है। लो जी एक बैठ गया जी और 4:23 भाई साहब किसी का ऐसा वो कबूतर अगर रात में आए तो आवाज देने की ना होगी उसकी। हाँ जो कबूतर ये रहा नीचे ये कैंसिल है भाई ये पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो ये कैंसिल पे अरे पटाया राम भैया ये जो मजमा जमा हुआ है आज एक शौक हुआ था ये उसकी एवज में सब लोग जमा हुए हैं। ये शौक हुआ था नीटा उस्ताद दिल्ली और दूसरे पक्ष से इदरीस बाबू बाख्तियार खलीफा मम्मू जैन पार्टी आज जेवर इन दोनों के बीच में आज एक शौक हुआ था जो कि भाई साहब ये शौक बड़े छोटे मार्जिन से और बड़े रोमांचक मार्जिन से 6 घंटे कुछ मिनट से नीटा उस्ताद जी जीत गए। बाकी ये शौक जो है बिल्कुल बेमिसाल हुआ है और बिल्कुल एतवार शौक हुआ है। अब जो रेफरी दिल्ली से आए हुए थे जी मनोज भाई हाथ उठाओ आप जरा और दूसरे भाई साहब हमारे ये हुसैन साहब भाई साहब आप दोनों ये बताए कि हमारे यहाँ इदरीस बाबू के यहाँ शौक कैसा हुआ। बहुत बढ़िया कोई चीटिंग कोई बेईमानी सब ओके की रिपोर्ट। हाँ आप सारी चीजों से हमारी जो है जो हमने खिदमत करी है जो भी करा वो इत्मीनान है आपको बिल्कुल खुश होके जा रहे हो और भैया दोनों पक्ष बिल्कुल सहमत हैं। और देखो एक बात आपको मैं बता दूं ये उड़ान पहली बार इस छत से ये पहली बार शौक हुआ है और इतने छोटे मार्जिन से देखो हार जीत हुई है ये लगा रहता है और भविष्य में इंशाल्लाह इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को मिलेंगी और ऐसे ही प्यार से जो शौक होता रहेगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। जी आप मनोज जी कुछ बोलेंगे जी कबूतर इनके बहुत बढ़िया उड़े हैं और बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं इनके बस बैरी ने और लगन ने इनके कबूतर नाश कर दिए बिल्कुल बिल्कुल। अब भैया दो शब्द जो है नीटा उस्ताद जी के बारे में और अपने बारे में जो है इदरीस बाबू जी बोलेंगे जी बताइए जनाब। ग्रुप के सभी मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। भाई हमारे बीच में आज एक शौक हुआ था नीटा उस्ताद से मैं इदरीस बाबू बाइख्तियार खलीफा मम्मू जैन पार्टी ये मेरे जमील भाई बाइख्तियार खलीफा मम्मू जैन पार्टी मनोज खलीफा सम्मनपुर ऑल यूपी बाइख्तियार खलीफा ये हमारे यहाँ से इन्होंने शौक करा है इन्होंने कबूतर उड़ाए हैं और नीटा उस्ताद से हमारा इतना बढ़िया शौक हुआ है इतना बढ़िया शौक हुआ है ताली बजा दो एक बार नहीं बहुत बढ़िया। और 6 घंटे की हार से हम पहली बार या दोबारा हमने कबूतर उड़ाए हम उसे हार नहीं मान रहे चाहे दुनिया की नजर में कुछ भी है हम तो इतने बड़े उस्ताद जी से लड़ने के बाद में अपनी जीत मान रहे हैं। थोड़ा सा इख्तिलाफ हमारा मनोज भाई के बीच में हुआ था एक कबूतर के पीछे उस बारे में जो है नीटा उस्ताद पे एक कॉल करी गई ये कह रहे थे कबूतर नहीं माना जाएगा उन्होंने 1 सेकंड में एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं वो कबूतर माना जाएगा उनके लिए सलूट है नीटा उस्ताद के लिए सलूट है भाई जो उन्होंने हमारा कबूतर एक्सेप्ट करा। नसीब की हार जीत है शौक बहुत बढ़िया हुआ है उम्मीद करते हैं इससे भी अच्छे शौक ईमानदारी के होते रहेंगे जहां जहां ईमानदारी के शौक होंगे हम भी इंशाल्लाह शौक करते रहेंगे और जहां कोई गड़बड़ी दिखाई देगी हम किसी से शौक नहीं करेंगे। बिल्कुल जी थैंक यू। और भैया ये इदरीस बाबू जो है मेरे मामू है आज गाली दोनों तरफ से मिली है मामू से भी और उस्ताद से भी। ये हमारे जो भाई आए हैं हुसैन भाई और ये मनोज भाई इनका भी बहुत बढ़िया सहयोग हमारे साथ रहा है ये तो उड़ान है इसमें थोड़ी बहुत तो होती चलती है बाकी हमें बहुत अच्छा सहयोग इन लोगों ने करा। हमारी तरफ से अगर कोई शिकायत हुई हो हमारे नीटा उस्ताद के एजेंटों को तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई इनसे कोई गलती नहीं हुई इन्होंने बहुत अच्छे हमारा सम्मान और साथ ही साथ भाई हमारी तरफ से नीटा उस्ताद और उनकी पार्टी को जीत की बधाई हार्दिक बधाई। क्या हमारी तारीफ नहीं करोगे तो कितनी मेहनत करी है। चलो भैया आज का जो है समारोह का समापन यही होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो वापसी करेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा भाई आज जितने भी लोग बच्चे यहाँ बैठे हैं ये हमारे खलीफा जी हैं जहांगीरपुर से ये हमारे मनोज भाई हैं मेरा छोटा भाई है ये मेरा भाई है ये मेरा बेटा है ये मेरे भाई हैं ये सब ये हमारे रिश्तेदार हैं इन्होंने सबने जो मेहनत करी है इनका भी बार बार शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर
मेरे भांजे का अली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया एक बात और बता दूं सभी भाइयों का, मनोज भाई सुनो एक बात और बता दूं भैया, मैं नीटा उस्ताद पार्टी से मोहम्मद अली, इस बार गुरुजी के आशीर्वाद से 10 उड़ान उड़ाई थी और 10 में से 9 करी है विन। और भैया एक चीज छोटी सी बातों में कह दूं, हमारे मेरा और मेरे उस्ताद का हिसाब किताब ये है, हम गुरु और चेले दोनों को लपेटे में लें। और ये बात जो है ना जिनके लिए मैं कह रहा हूँ ये भैया समझ जाएंगे।